तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग को लेकर खबर सामने आ रही है। जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया गया। केजरीवाल की संभावित न्यायिक हिरासत पर तैयारी के मद्देनजर यह खबर बड़ी हो जाती है। सुरक्षा की समीक्षा कर रहा है जेल प्रशासन, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि रिमांड नहीं बढ़ाने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल है। ईडी चाहेगी कि न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया जाए, और ऐसे में बड़ी खबर तिहाड़ जेल से आ रही है, जहां पर इस वक्त न केवल हाई लेवल मीटिंग चल रही है बल्कि जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया गया है केजरीवाल की संभावित न्यायिक हिरासत को देखते हुए। तो इस बीच देखिए, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे, जितेंद्र भाटी ईडी दफ्तर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं पीयूष पांडे को भी देख पा रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले माफ कीजिएगा, जितेंद्र शर्मा ने हमें ज्वाइन किया। जितेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है, 10 दिनों तक पहले ही ईडी की रिमांड में रह चुके अरविंद केजरीवाल, आज क्या फैसला आता है बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी संभावनाएं कितनी प्रबल है कि न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त 22 तारीख को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, उस दौरान 6 दिन की उनको रिमांड मिली थी। इसके बाद ईडी को 4 और दिनों की रिमांड मिली, तो कुल मिलाकर 10 दिन की रिमांड अब तक ईडी को अरविंद केजरीवाल की मिल चुकी है। लेकिन आज जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की और रिमांड की मांग नहीं करेगी ईडी, आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की जाएगी। और उसको लेकर जैसे ये खबर तिहाड़ प्रशासन को पता चली, तिहाड़ प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आज दरअसल 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग तिहाड़ जेल में शुरू होती है, जिसमें तय होता है कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस सेल के अंदर तिहाड़ में रखा जाएगा, अगर वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजे जाते हैं तो। हालांकि खबर यह भी है कि जेल नंबर 5 सुनिश्चित की गई है और उसको सैनिटाइज करने का जो काम है वो भी शुरू कर लिया गया है। इन 10 दिनों की रिमांड में ईडी ने साफ तौर पर अदालत में हर बार बोला कि दरअसल अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, और उनका जो आईफोन है उसका पासवर्ड भी अरविंद केजरीवाल ने अब तक ईडी को नहीं दिया है, जिसको लेकर ईडी ने अब आगे एप्पल को एक लेटर लिखा है ताकि उनके फोन को डिकोड किया जा सके, क्योंकि ईडी को शक है कि फोन से आबकारी घोटाले से जुड़े कई अहम सुराग जांच एजेंसी के हाथ लग सकते हैं, जो कि इस जांच को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। जी जी।